ओम श्री नेशाय नमः दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अगस्त रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आर्थिक स्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त होंगे, इसलिए हर तरह से आज सजग रहें। कामकाज को लेकर बेहतर प्रदर्शन करने की आज कोशिश करें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सके। धन्य धन प्राप्ति के उद्देश्यों की आज पूर्ति हो सकती है जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ समय आज आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां तैयार कर रहा है। दोस्तों आज आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा व आत्मविश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्य क्षमता में भी इजाफा होगा। युवा वर्ग को भी कोई मन मुताबिक कार्य बनने से राहत मिलेगी। आज दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल हैं। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित रूपरेखा आप बना लें। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से बहुत अधिक राहत आपको मिलेगी। दोस्तों कुछ समय से आप अपने अंदर अद्भुत परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। अंदर छिपी हुई प्रतिभा और नॉलेज को पहचाने तथा उसका प्रयोग करें। इस समय की गई मेहनत के निकट भविष्य में बहुत ही उचित परिणाम आपको हासिल होने वाले हैं। दोस्तों आज किसी काम में अप्रत्याशित लाभ की भी स्थिति बन रही है। अपने काम के प्रति एकाग्रचित रहें, इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को भी किसी कंपटीशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभावना है। दोस्तों इस समय की गई मेहनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा, इसलिए अपनी ऊर्जा का आप भरपूर इस्तेमाल करें। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों आज भाग्य आपके पक्ष में है। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, आज उन कार्यों का पूरा होने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम आज हासिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों पारिवारिक विवादों से आज आप बचने का प्रयास रखें और सबके साथ आपसी सामंजस्य बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें ताकि घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो और घरेलू विकास संभव हो सके। माता पिता का ख्याल रखें, किसी भी तरह की समस्या होने पर उनका ख्याल आप विशेष रूप से रखें। दोस्तों साथ ही साथ किसी समय भावुकता और आलस की वजह से बनते कार्यों में विघ्न पड़ सकता है और कुछ उपलब्धियां भी हाथ से निकल सकती हैं जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, परंतु ज्यादा सोच विचार करने से कई उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। दोस्तों आय के साथ साथ खर्चों की भी स्थितियां रहेंगी। आप अपनी कोई महत्वपूर्ण वस्तु आज कहीं रखकर भूल सकते हैं या खो सकती है,
इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाही ना बरतें। दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लें। भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें। ऐसा करना आपके लिए अवश्य ही लाभदायक साबित होगा। कभी कभी आपकी संकालु प्रवृत्ति आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अति आवश्यक है। आज कोई पेमेंट भी आपको करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों के साथ फैमिली गेट टूगेदर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुल्लित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ परिवार में कुछ वैचारिक मतभेद भी रहेंगे, इसलिए अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी व्यतीत करें। दोस्तों, परिवार का वातावरण आज सकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों में सात्विकता रखना आवश्यक है। साथ ही साथ पति पत्नी में भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता रहेगा, जिससे घर परिवार में भी वातावरण खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज व्यवसायिक गतिविधियों में छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन कठिन परिश्रम से कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज व्यवसायिक गतिविधि पर पैनी नजर रखें। लापरवाही की वजह से पार्टियां टूट सकती हैं और अपमानजनक स्थितियां भी उत्पन्न होने की आशंका है। नौकरी पेशा वाले ध्यान रखें कि उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब ना हो। आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अति शुभ है, क्योंकि रुकी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आधार पर तरक्की के योग बन रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ किसी अनजान व्यक्ति से अचानक ही घनिष्ठता होगी और कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है, इसलिए अपने व्यवसायिक गतिविधियों पर बहुत ही अधिक एकाग्रचित रहें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज संभाल कर रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने वाला है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, थकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी, इसलिए उचित खानपान और आराम पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों, आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद काली हल्दी की एक गांठ लें। इसके बाद आप इस एक गांठ को भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हुए बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाएं मांगें। या दोस्तों, ऐसा करने से भगवान सूर्य देव बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनने लगेंगे। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।